हेलो एवरीवन माय नेम इज रिद्धि इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में जिसको न्यू बिहेवियरलिज्म भी कहा जाता है ठीक है तो ये हमारा नया टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें से पूछे गए हैं सिलेबस आप अगर देखोगे तो सिलेबस में आपका जो पहला टॉपिक है मीनिंग एंड अप्रोचेस उसी का ही ये पार्ट है पोस्ट बिहेवियरलिज्म एंड न्यू बिहेवियरलिज्म ठीक है तो क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से पूछे गए हैं तो यहाँ पर आप देखोगे फोर्थ क्वेश्चन पर देखो नाइनटीन का ये क्वेश्चन है तो लास्ट ट्वेंटी ईयर्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते रहेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे रेपिटेटिव क्वेश्चन हैं ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ नए तरीके का यूपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया है या फिर क्वेश्चन नए पूछे गए हैं ऑप्शनल का वही सेम पैटर्न है वही सेम चीज़ें चलती आ रही हैं वही सेम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ठीक है तो इसमें क्या पूछा गया है कि फैक्ट वैल्यू डाइकटमी इन पोलिटिकल साइंस पीरियड को एग्जामिन करना है टू एक्सटेंड हैज़ पोस्ट बिहेवियरिज्म रिजोल्व द इन द डाइकटमी ठीक है एक ये पूछा गया है देन आफ्टर दैट आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर एट क्रिटिकली वैलुएट एंड ब्रिंक आउट द वीकेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर बिहेवियरल एंड पोस्ट पोस्टर अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड वॉट मेजरेबल एंड क्वान्टिफेबल क्या आर अवेलेबल इन पॉलिटिकल साइंस टू वैलुएट पॉलिटिकल बिहेवियर ठीक है तो ये आपका बिहेवियर और पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच के uh, को आपका कनेक्ट करके बनेगा एंड देन आफ्टर दैट नाइन क्वेश्चन आप देखो पोस्ट बिहेवियरिज्म इज नॉट अ नेगेशन ऑफ द बिहेवियर रेवल्यूशन बट ओनली इट्स करेक्टिव ठीक है तो हाउ डज़ इट सीक टू रेज द स्टेटस ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक ये क्वेश्चन पूछा गया है मतलब आप ये देख सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चंस जो है वो आपका पोस्ट बिहेवियरलिज्म पे पूछे गए हैं फिर कमेंट द पोस्ट बिहेवियर अप्रोच 2016 का ये क्वेश्चन है मतलब ये तो अभी लेटेस्ट ही क्वेश्चन पूछा गया है ज़्यादा पुराना भी नहीं है ठीक है तो इसीलिए ये टॉपिक जो है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी बनता है अब अगर मैं पोस्ट बिहेवियरिज़म की बात करूँ या न्यो बिहेवियरिज़म नि भी कहा जाता है इसको तो इसमें है क्या देखो इससे पहले बिहेवियरल अप्रोच चल रही थी तो बिहेवियर uh, अप्रोच में क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा इंपेरिसज पे फ़ोकस किया हुआ था नॉर्मेटिव अप्रोच को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था तो उसमें क्या था जो चीज़ आप आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकते हो जो चीज़ आप आसानी से मेजर कर सकते हो ठीक है तो ऑब्ज़र्वेबल प्लस मेजरेबल इन चीज़ों पर ही फोकस किया गया किसमें बिहेवियरल अप्रोच में तो ये जिसने बिहेवियरल अप्रोच वाला चैप्टर नहीं देखा है लेक्चर नहीं देखा है तो वो आप पहले देख सकते हो तो ऑब्ज़र्वेबल और मेजरेबल चीज़ों पर बिहेवियरलिज्म ने फोकस किया जिससे क्या हो रहा था जिस चीज़ को आप ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते मेजर नहीं कर सकते जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज़ बनते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं ऐसे इश्यूज जो हैं वो इग्नोर हो रहे थे जिनका तो बिहेवियरलिज़्म जो है वो रियलिटी के साथ उसका मेल नहीं खा रहा था तो ये कुछ फ्लॉज आए थे जिसके बाद पोस्ट बिहेवियरलिज़्म निकल करके आया कि के बिहेवियर अप्रोच में कहीं ना कहीं ये दिक्कत ज़रूर हुई थी तो उसी कोई रेक्टिफाई करने के लिए पोस्ट बिहेवियरलिज़्म लाया गया जो कि डेविड एक्स्टन उसके मेन Uh, जो है वो एक्सपोनेंट uh, रहे हैं बिहेवियलिज़म में भी और पोस्ट बिहेवियलिज़म में भी तो ये हम पढ़ेंगे तो पोस्ट बिहेवियर ट्रेंड जो रहा था मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की ग्रोथ में उसको न्यू रेवोल्यूशन या फिर न्यू चैलेंज की तरह भी कहा गया था माना गया था ठीक है तो इसमें क्या था कि बिहेवियल अप्रोच जो है वो क्रिटिसिज्म में आई थी काफ़ी पॉलिटिकल साइंस साइंटिस्ट ने इसी मेन इशू पर बिहेवियलिज़म को क्रिटिसाइज़ किया था कि वो थ्योरी बिल्डिंग को रिजेक्ट करती है ठीक है और इवन पॉलिटिकल साइंस तक को भी रिजेक्ट कर देती है तो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स आए थे कुछ जैसे कि स्ट्रॉस तो उन्होंने स्ट्रॉस ने ये आर्ग्यू किया था कि बिहेवियरल अप्रोच जो है वो आपकी जो पॉलिटिकल थ्योरी में जो क्राइसिस चलता आ रहा है ना उसको वो सॉल्व नहीं करेगी वो उसका एक सिम्टम ही की तरीके से ही मान लो आप उसको क्योंकि इसने नॉर्मेटिव इशूज़ को सबको इग्नोर कर दिया ठीक है तो थॉमस कन ये क्या कहते हैं कि जो आपका साइंटिफिक मेथड है उसका सिग्निफिकेंस जो है इट लाइज इन इट स्ट्रिक्ट कैपेसिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अभी अगर आपके सामने पॉलिटिकल कोई इशू आता है पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसमें ये तो देखोगे नहीं कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है अभी मेजर हो सकती है ऑब्जर्व ऑब्जर्वेबल डेटा है या नहीं है आपको वो प्रॉब्लम कैसे ना कैसे करके सॉल्व करनी ही पड़ेगी तो उसमें अगर नॉर्मेटिव इशू का यूज़ करना पड़ेगा तो बिहेवियरलिस्ट क्या कहेंगे कि भाई नॉर्मेटिव में तो हम मानते ही नहीं है हमें तो डेटा के अकॉर्डिंग देखना है ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा मेजर नहीं हो पा रहा तो इग्नोर कर दो तो उससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी तो इसीलिए थॉमस कन ये बात करते हैं कि भाई अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है क्राइसिस मैनेजमेंट करना है और अगर आपको मेथोडोलॉजिकल सुफेस्टिगेशन पर नहीं जाना है तो भाई बिहेवियर अप्रोच को थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा ठीक है तो बाई द एंड ऑफ नाइनटीन जो बिहेवियरलिज़म के एक्सपोनेंट्स थे एक्सपोनेंट्स मतलब जो बिहेवियल अप्रोच को मानते थे जो उनको सपोर्टर्स थे बिहेवियरिज़म के तो बिहेवियरलिज्म के एक्सपोनेंट्स ने भी ये रियलाइज़ किया था कि हाँ बिहेवियरलिज्म बहुत ज़्यादा जो है वो प्योर साइंस की तरफ जा रहा है जिसकी वजह से जो आज के टाइम में जो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ परसिस्ट कर रहे हैं उसको वो रिजोल्व नहीं कर पा रही है ये अप्रोच तो इसलिए उसमें चेंज लाना ज़रूरी है तो नाइनटीन में डेविड ईस्टन ने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में एक प्रेसिडेंशियल स्पीच दी स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने ये नया रेवोल्यूशन जो है पॉलिटिकल साइंस में अनाउंस कर दिया था जिसका नाम पड़ा था पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन तो इस रेवोल्यूशन में जो पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन है इसमें एक शिफ्ट देखा गया था शिफ्ट ऑफ फोकस कि भाई पहले बिहेवियरलिज्म में क्या हो रहा था बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेथोडोलॉजिकल इश्यूज़ देखने को मिल रहे थे बट अब ये शिफ्ट हो गया पोस्ट बिहेवियलिज्म में कि भैया अब आप आपको पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखनी पड़ेंगी ऐसे इश्यूज को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा जो कि पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के हैं और जो जेन्यून पॉलिटिकल प्रॉब्लम को आपकी रिकॉग्नाइज करेंगे सॉल्व करेंगे ठीक है अब बात करते हैं कि भाई पोस्ट बिहेवियरिज्म का मतलब क्या है तो जो टर्म है पोस्ट ये दिखाती थी कि दर्शाती थी कि जो भी आपका नए नए डिज़ास्टर्स आ रहे हैं तो उन डिज़ास्टर्स में उनका मूड कैसा है प्रोग्रामेटिक इंटेंट क्या है डिजास्टर्स का उसको डेजिग्नेट करने के लिए ये वर्ड आया था टर्म पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ठीक है तो अमंग द मेजर पोस्ट बिहेवियरल टेनेंट्स एंड टेंडेंसीज तो ये जो नया एम्फेसिस आया है ना पहले बिहेवियलिज्म में क्या हो रहा था कि भाई वैल्यू फ्री सोसाइटी होनी चाहिए वैल्यू पे बेस नहीं होना चाहिए कि वैल्यूज़ के वजह से आपको बायसनेस नहीं आनी चाहिए आपको प्रॉपर एम्पेरिकल अप्रोच पे चलना पड़ेगा मतलब कि आपको प्रॉपर डेटा पे चलना पड़ेगा जो कि वेरीफाई हो सकता है इन सब चीज़ों पर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा था कि मतलब बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर दी जा रही थी तो इसमें अब पोस्ट बिहेवियरिज़म में क्या हुआ कि अब आप वैल्यूज़ पर भी एम्फेसिस कर सकते हो जस्टिस फ्रीडम इक्वालिटी है ना तो ये सारी चीज़ों पर भी अब आप मेंशन कर सकते हो इनको ये इशूज़ से आप आसानी से डील कर सकते हो वैल्यूज़ के बेसिस पे ठीक है डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंगली पोस्ट बिहेवियलिज्म जो है इट वाज अ जेन्यून रेवोल्यूशन नॉट अ रिएक्शन अ बिकमिंग नॉट अ प्रेजर्वेशन अ रिफॉर्म नॉट अ काउंटर रिफॉर्मेशन देखो इस तरीके के जो आ, अभी जैसे मान लो आप किसी भी आ, कोई पॉलिटिकल थिंकर है अगर आप पॉलिटिकल थिंकर्स को अपने आंसर में कोट करते हो ना तो आंसर आपका बहुत अच्छे से बनता है ठीक है तो ये कुछ जो लाइंस होती हैं या कुछ कोटेशंस होती हैं जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स ने कही हैं उनको ज़रूर आपको अपने आंसर्स में ना इंकल्केट करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ठीक है तो डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंगली पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है वो एक जेनवन रेवोल्यूशन था एक रिएक्शन नहीं था एक बिकमिंग थी एक प्रजर्वेशन नहीं था एक रिफ़ॉर्म था एक काउंटर रिफॉर्मेशन नहीं था तो डेविड ईस्टन ये कह रहे थे कि मतलब ऐसा नहीं है कि बिहेवियरलिज्म था उसको ठीक करने के लिए हम एक काउंटर रिफॉर्मेशन लेके आए हैं ठीक है या फिर एक मतलब रिएक्शन आया है बिहेवियरलिज्म का वो नहीं था एक जेनवन हम रेवोल्यूशन एक नया रेवोल्यूशन लेके आए थे हम तो ये क्या था कि ये एक मूवमेंट भी थी और एक इंटेलेक्चुअल टेंडेंसी थी तो ये कहा जा सकता है कि अगर हम पोस्ट बिहेवियलिज्म को किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से रिकॉग्नाइज कर देते हैं तो ये भी गलत होगा क्योंकि ये बहुत सारे जितने भी पॉलिटिकल साइंस हैं उनके यूज़ एंड कलर्स को सबको एडवोकेट करती है ठीक है जैसे कि मतलब कि, कि बहुत सारे अलग अलग फील्ड से आते हुए पॉलिटिकल साइंटिस्ट को ये इंक्लूड करती है अगर आप पोस्ट बिहेवरिज़म की बात करते हो तो कि जैसे अलग अलग रैंक के लोग आ गए एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट भी आ गए जो कि सारे मेथडोलॉजिकल कमिटमेंट्स के होते हैं रेगुलर साइंटिस्ट भी आ गए डेडिकेटेड क्लासेस भी आ गए सारी एज ग्रुप्स के मेम्बर्स आ गए तो इसीलिए जो होल इम्प्रॉबेबल डाइवर्सिटी अभी देखी गई है ना यहाँ पर कि पॉलिटिकल मैथडोलॉजिकल एंड जनरेशनल के सारे एज ग्रुप्स के ठीक है पॉलिटिकल कि आपके हर एक जगह से एक्सट्रीम लेफ्ट का अलग अलग सारे मेथोडोलॉजिकल कमिटमेंट्स वाले और ये आपके रिग्रेस साइंटिस्ट वगैरह भी आ गए तो सारे ये जो है वो एक ही सेंटिमेंट शेयर करते हैं जिनमें क्या है कि आपका जो आजकल की ये जो पॉलिटिकल रिसर्च चल रही है उससे ये लोग कंटेंट नहीं हैं तो इससे ये लोग डिसकॉन्टेंट फील करते हैं तो ये लोग खुश नहीं हैं तो ये सब चीज़ें ये लोग शेयर करते हैं तो अब बात करते हैं कॉजि क्या हैं इसके एमरजेंसी के तो अमेरिकन सोसाइटी बाय द एंड ऑफ नाइनटीन सिक्सटीज़ के एंड तक उसने बहुत सारे सोशो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स देखे थे जैसे कि वियतनाम वॉर हो गया फिर ब्लैक अगेंस्ट वाइट रिवोल्ट हो गया फिर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ गई इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखा गया फेमिनिस्ट मूवमेंट भी देखी गई तो उससे क्या हुआ जो यंगर जनरेशन इंटेलेक्चुअल्स थे वो लोग ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स पर क्वेश्चन करने लगे कि भाई क्या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स इन प्रॉब्लम्स के लिए क्या कर रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो ये लोग क्या करने लगे जो यंगर जनरेशन थे वो लोग इसकी एफिकेसी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की एफिकेसी और रिस्पॉन्स पर क्वेश्चन उठाने लगे सवाल उठाने लगे जो कि सही भी था ठीक है तो एक नया डायरेक्शन जो है वो एमर्ज होता हुआ सामने आया कि लोगों ने कहा भाई इस, इतनी तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप उनके लिए कर क्या रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक नया अप्रोच आया क्योंकि बिहेवियरल अप्रोच से ये सॉल्व ही नहीं हो पा रही थी ठीक है तो अब क्या हुआ तो ऑब्जेक्टिव्स और एम्स क्या है कॉकस के ठीक है ये देख लेते हैं कॉकस बेसिकली क्या होता है कि पूरा आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गई कि एक जैसा व्यू शेयर करते हैं तो ये सब हो गए तो इनका क्या था ऑब्जेक्टिव एम क्या था इस कॉकस का कि पॉलिटिकल साइंस को रिस्टोर करना कि भाई ये जो डिसिप्लिन है पॉलिटिकल साइंस का ये एक रेलिवेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसिप्लिन है कि पॉलिटिक्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ठीक है और ऐसा डिसिप्लिन है जो कि पुअर को भी सर्व करता है ओप्रेस्ड को भी सर्व करेगा और अंडर डेवलप्ड लोगों को भी सर्व करेगा चाहे वो अपने देश में रह रहे हैं या अब्रॉड रह रहे हैं जो भी उनके स्ट्रगल्स हैं अगेंस्ट दी इस्टेब्लिश्ड हायर आर्ज एलिट्स इंस्टीट्यूशन फॉर्म ऑफ मैनिपलेंस के फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन में तो ये सारे इशूज़ जो हैं उसको सॉल्व करेगा पॉलिटिकल साइंस तो इस पॉलिटिकल साइंस को रिस्टोर करना ये मेन ऑब्जेक्टिव और एम रहा है कॉकस का तो इसी वजह से सितंबर 1969 में डेविड ईस्टर्न ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट किया एक नए रेवोल्यूशन की शुरुआत की जिसको कहा गया पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन ठीक है अब पोस्ट बिहेवियल रेवोल्यूशन के एक्सपोनेंट्स कौन थे जो सपोर्टर्स होते हैं इनके जिन्होंने मेन बातें की हैं इसके बारे में जो आगे बढ़ के आए हैं मेन एक्सपोनेंट्स रहे हैं डेविड ईस्टन ऑस्टिन रैने पीटर एच मार्कल एंड अदर्स ठीक है अब बात करते हैं कि दो स्लोगन्स ट्विन स्लोगन्स बहुत इंपॉर्टेंट कौन से रहे हैं पोस्ट बिहेवियरिज्म के एक रहा है रेलिवेंस और एक रहा है एक्शन तो फर्स्ट इज रेलिवेंस दूसरा एक्शन ये मेन ट्विन स्लोगन्स रहे हैं पोस्ट बिहेवियरिज्म के तो सिक्सटीज़ के दौरान पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो सिर्फ ऐसे डिसीजंस में ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे जो कि मान लो कुछ स्टेट ने एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया है तो उसमें तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट इंटरेस्ट ले ही रहे थे बल्कि ऐसे इशूज़ जिसमें स्टेट ने कोई डिसीजन लिया ही नहीं है उस इशूज़ पर भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट अब इंटरेस्ट ले रहे थे तो ये एक मेजर चेंज जो है वो फील होने लगा था सिक्सटीज़ में ये चेंज आया था तो ऐसे इश्यूज़ जो कि रेज नहीं किए गए पावर ऐसी जो कि चैलेंज नहीं की गई एनर्जी जो कि मोबिलाइज नहीं की गई एनालिसिस नॉट डेवलप्ड ठीक है तो ये सब एक मेजर इशूज़ थे कि भाई इशूज़ रेज ही नहीं किया अगर मान लो ब्लैक वाइट का कंफ्लिक्ट है कैसे आया किसी ने तो इशू रेज किया होगा वियतनाम वॉर में जो भी इशूज रेज इशूज़ तो रेज हुए होंगे है ना कोई पावर होगी जो अगर गलत काम कर रही है अगर सरकार चल रही है गलत काम कर रही है तो उसको चैलेंज करने के लिए कोई और पावर तो आनी चाहिए ठीक है तो ये सारे इशूज़ थे तो अब जो है पोस्ट बिहेवियरिज़म के टाइम पर ये इश्यूज जो है उनको बहुत इम्पॉटेंट माना गया कि अगर आपको पॉलिटिकल प्रोसेस को समझना है तो इसीलिए एक जो प्रॉब्लम्स को समझने की ये जो चीज़ होती है ना कि मान लो अगर आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हो रेलेवेंस की एक्शन की कि ये वाले इश्यूज जो हैं ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर आप समझते हो उसको स्टडी करते हो तो उसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो ये समझ पाएंगे कि अभी का जो सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है वो किस प्रकार का चल रहा है उसकी स्ट्रक्चर की समझ वो लोग बेटर कर पाएंगे ठीक है जो कि आज के करंट पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा रेलिवेंट फैक्टर बनता है जिसकी वजह से अगर वो उन्होंने ये चीज़ समझ ली है स्ट्रक्चर समझ लिया सोशो इकोनॉमिक सिस्टम का तो वो आसानी से एक्शन ले पाएंगे जिस जो एक्शन डिफेंट रिबेलियस कैरेक्टर का होगा ठीक है तो ये एक मेन चीज निकल करके सामने आती है किस तरीके से हम आज के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं अब बात करेंगे कि फीचर्स क्या हैं पोस्ट बिहेवियलिज्म के तो टोटल यहाँ पर अभी पाँच फीचर्स की बात की गई है पाँच टोटल फीचर्स हैं पोस्ट बिहेवियरिज्म के पहला फीचर है ऑपोजिशन टू वैल्यू फ्री सोशल साइंस देखो क्या है पोस्ट बिहेवियलिज्म जितने भी हैं वो बिहेवियरलिस्ट के जो ये अटैम्प्ट रहे हैं ना कि जो कहते थे कि पॉलिटिकल साइंस में वैल्यू फ्री साइंस होनी चाहिए बिल्कुल वैल्यूज़ का कोई रोल नहीं है बिहेवियरलिस्ट तो ये कहते थे तो पोस्ट बिहेवियरलिस्ट जो है उनसे थोड़ा सा अपोजिशन में रहे हैं पोस्ट बिहेवियरलिस्ट चाहते हैं वो वैल्यूज़ को भी ड्यू कंसिडरेशन देते हैं अनलाइक द बिहेवियरलिस्ट क्योंकि बिहेवियरलिस्ट क्या सोचते थे कि भैया वैल्यू फ्री साइंस होनी चाहिए तो वैल्यूज़ को बेसिकली पोस्ट बिहेवियरलिस्ट कहते हैं कि वैल्यूज़ को आपको साइंटिसिज्म के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए नेक्स्ट चीज़ नेक्स्ट फीचर आता है मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट पोस्ट बिहेवियस ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिकल ऐसा होना चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए रेलीवेंट हो जैसे कि जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी डेमोक्रेसी ये सब चीज़ें जो है सोसाइटी के लिए रेलिवेंट है तो इसी पर फोकस किया गया है डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि भैया इंटेलेक्चुअल्स को एक अच्छा खासा रोल प्ले करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा अगर वो ह्यूमन वैल्यूज ऑफ सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ह्यूमन वैल्यूज़ पे एम्फेसाइज किया गया है तो एक वैल्यूज़ पे आप देखोगे कि बार बार एम्फेसिस किया गया है ठीक है क्योंकि बिहेवियरलेस ने एम्फेसिस नहीं किया था तो आप ये मान के चलो पोस्ट बिहेवियरलेस ने वैल्यूज़ पर एक एम्फेसिस दिया है ठीक है और दूसरी चीज़ जिस पर इन्फ्लू जो फोकस किया है वो है एक्शन ठीक है एम्फेसिस इस पर भी दिया है वैल्यूज़ और एक्शन पे काफ़ी एम्फेसिस दिया है फिर नेक्स्ट चीज़ है फ्यूचर ओरिएंटेड सोसाइटी तो पोस्ट बेहलर्स ये कहते हैं कि रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड हो मतलब कि फ्यूचर को ध्यान में रख करके आप रिसर्च करें तो जो भी रिसर्चर है इन्वेस्टिगेटर है सोशल या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का वो अपनी रिसर्च की मदद से इस पोजिशन में होना चाहिए कि वो आगे की आने वाली प्रॉब्लम्स को भी पहचान पाए और आगे की आने वाली प्रॉब्लम्स को पहचान करके उनको प्रिडिक्ट कर करके ऐसे रिसर्च करें इन्वेस्टिगेशन बनाए ठीक है ताकि वो आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके ठीक है ताकि सोसाइटी जो है वो फॉर रहे भाई आगे इवेंट्स जो होने वाले हैं अभी पहले से प्रिपेयर रहो पर्पस ओरिएंटेड रिसर्च ये चौथा आपका फीचर आ गया तो पोस्ट बिहेवियरिस्ट ये कहते हैं कि रिसर्च जो है वो रेलिवेंट होनी चाहिए और पर्पसफुल होनी चाहिए सोसाइटी के लिए ऐसे नहीं कि कहीं से भी आप कुछ भी अभी प्रॉब्लम ये चल रही है कि यहाँ पर अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया और रिसर्च ये हो रही है कि भैया अभी खाने में नमक है या नहीं ठीक है तो ये रिसर्च हो रही है कोई लेना देना है इसका तो रिसर्च भैया ये होनी चाहिए सोसाइटी के लिए जो रेलिवेंट भी हो पर्पसफुल भी हो कि आज सोसाइटी जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है उसके लिए रेलिवेंट है या नहीं उसके लिए आपको प्रैक्टिक प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल सोल्यूशन होने इसलिए ज़रूरी है ताकि वही सोल्यूशन जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स फिर इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे ठीक तो है तो ऐसे सोल्यूशंस आने ज़रूरी हैं तो सोल्यूशन जो है वो ऐसे होने चाहिए फिर जो कि हर एक सोसाइटी में एप्लीकेबल हो ना कि सिर्फ़ एक पर्टिकुलर सोसाइटी में हो गया भैया हमारा हमारा हो गया बाकी तुम लोग अपना जानो ऐसा नहीं होना चाहिए हर सोसाइटी में एप्लीकेबल होना चाहिए सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए पांचवा फीचर हो गया आपका एक्शन ओरिएंटेड जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बात बताई थी ये पोस्ट बिहेवियरलिस्ट एक वैल्यूज़ और एक्शन पे फोकस करते हैं वही सेम चीज़ तो पोस्ट बिहेवियरलिस्ट जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया है एक्शन पे पर कंटेम्पलेटिव साइंस मतलब ये नहीं है कि ठीक है आपने नॉलेज प्राप्त कर ली है ज्ञान प्राप्त किया है सिर्फ ज्ञान के लिए अभी अगर आप चीज़ें पढ़ते हो ठीक है आप कोई भी अगर सब्जेक्ट आप पढ़ते हो आप राजनीति में भी आप आगे जाके अप्लाई करोगे ही ठीक है तो ये है कि अभी आप, आप कुछ भी पढ़ रहे हो मान लो चाणक्य का आपने कुछ भी पढ़ा तो उनके उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन उनका किस टाइम का था पॉलिटिक्स उस टाइम पर कि, किस टाइप के थी तो उनसे आप कुछ कुछ चीज़ें जो है वो सीखोगे फिर आगे जाके जब आपको आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर आपको बनना पड़ेगा तो आप आई बन जाओगे तो वही सेम चीज़ें आपको हो सकता है कुछ चीज़ें उनमें से बहुत पसंद आई तो आप वो फॉलो करने का ट्राई करोगे तो नॉलेज आपने किस लिए प्राप्त की वो ज्ञान आपने किस लिए प्राप्त किया कि भाई उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए है ना ऐसा तो नहीं है कि बस हमने ज्ञान ज्ञान के लिए प्राप्त कर लिया उसका फ़ायदा क्या हुआ ठीक है तो वो वही बात होगी घर में एक सफ़ेद हाथी है अब उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है उसका है ना तो वो चीज़ है तो इसीलिए उनके हिसाब से भी नॉलेज जो है वो सिर्फ सेक ऑफ नॉलेज के लिए नहीं रहो रखो बट की उसके उसका रेलिवेंसी कोई नहीं है बल्कि नॉलेज जो है ऐसी होनी चाहिए कि भाई उसको काम में भी लाया जाए तो जब नॉलेज काम में आ जाती है ना तो उससे क्या होता है कि वो सोसाइटी को रीशेप करने में हेल्प करती है और सोसाइटी को बेटर बनाती है ठीक है तो पोस्ट बिहेवियरलिस्ट जो है वो इसीलिए एक्शन पर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं अब लोग कहते हैं कि भैया है, हम अमीर हो जाएंगे एक दिन अमीर हो जाएंगे अमीर हो जाएंगे क्या फ़ायदा अमीर होने के लिए हम ये करते हैं वो करते हैं फलाना करते हैं ढंकाना करते हैं पर अब क्या है कि हम कुछ करें ही ना तो उसका फ़ायदा क्या हुआ है ना जैसे अगर हम मैं ये सोचती हूँ कि भाई अगर मुझे अमीर होना है तो मैं अपना अभी फूड बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ ठीक है मुझे अपना ये फ़ूड बिज़नेस स्टार्ट करना अब मैं बैठी बैठी उसके बारे में सोचती रहूँगी ना कुछ नहीं हो पाएगा अभी मुझे जा कर के एक्शन लेना पड़ेगा तो वो एक्शन पर फोकस किया है उससे क्या होगा सोसाइटी बेटर होगी और आपकी सोसाइटी जो है वो रीशेप होगी तो यहाँ पर इसकी बात की हुई है